चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आपको बताएं कि देहरादून में इंटरनेशनल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल के तृतीय संस्करण का आयोजन किया गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिनांक 15 नवंबर से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य एवं कला समारोह के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय समारोह में देश विदेश के प्रसिद्ध लेखकों ने देश के ज्वलंत मुद्दों के साथ सामाजिक व्यवस्था कुरीतियों पर अपनी राय रखी। आज के सेशन में हमारे साथ ज्ञान चतुर्वेदी जी थे, रामशरण जोशी जी थे, सत्येंद्र कुमार जी थे, और जो चेयर कर रहे थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी थे। और इस बीच में हमारी जो चर्चा हुई है वो कई किताबों पे हुई। सब पे पागलखाना जो किताब थी ज्ञान चतुर्वेदी जी की, उस पे चर्चा हुई। मेरी चौराहा पे हुई। सत्येंद्र कुमार जी की भाषा विज्ञान पे एक बहुत अच्छी किताब आई है, उस पर चर्चा हुई। और इस चर्चा के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आईं जो साधारणतः हम लोग अपने जीवन में भोगते हैं, करते हैं, मगर उनको हम रेखांकित नहीं कर पाते। और ऐसा करने के दौर में वो सब बातें हमें मतती रहती हैं जो ऐसी चर्चा के दौर में सामने आती है। इसमें कई बातें सामने आई कि विकास आदमी के लिए है या आदमी विकास के लिए है। अगर साहित्य लिखा जा रहा है तो किसके लिए लिखा जा रहा है, और ये भाषा विज्ञान और साहित्य के अंतर संबंध क्या है, उनके ऊपर किस प्रकार की चर्चा, किस प्रकार का विश्लेषण होना चाहिए, किस प्रकार की विवेचना होनी चाहिए, ये सब इस सत्र में हमारे साथ निकल कर आया। फेस्टिवल में विभिन्न कला प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया, जो वैली ऑफ फ्लावर्स, ग्लिम्सेस ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडिया, माउंटेन्स एंड मोनेस्ट्रीज आदि की थीम पर आधारित थी। मैंने इस साल भी वैल्यू ऑफ वर्ड्स के तीसरे एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, और इसमें मैंने अपने कुछ चित्रों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में लगाई है। इस साल के मेरे जो प्रदर्शन का थीम है स्पिरिट ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने सारे जो आइकन्स है जो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे इंडिया की जो महानता है वो जग भर जाहिर होती है, उन आइकन्स को लेकर मैंने ये मेरी पेंटिंग्स की श्रृंखला बनाई है। ये फर्स्ट सीरीज़ है मेरे इस स्पिरिट ऑफ इंडिया के सीरीज़ में, और ये सीरीज़ आगे भी जुड़ती जाएगी। पर इस बार मैंने का जोर मेरे जो मीडियम है, पेंटिंग का जो मीडियम है, जो पेस्टल्स में मैंने काम किया है, जबकि जनरली वाटर कलर या ऑयल्स में काम होता है, बट आई ट्राइड यूजिंग पेस्टल्स एज ए मीडियम। ये बड़ा डेलिकेट मीडियम होता है और उसमें भी हम काफ़ी अच्छे तरह से प्रभावशाली चित्र बना सकते हैं, और यही मेरा प्रयास था इसमें। कार्यक्रम में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पुस्तक परिचर्चा, हिमालयी कलाएं, शिल्प एवं दृश्य कला प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण रही। इस अवसर पर किताबों और शिल्प उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। ये फेस्टिवल है आर्ट्स एंड लिटरेचर का, ये हमारा तीसरा प्रयत्न है। इसका मकसद है कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर टीवी या इंटरनेट के द्वारा इन्फ्लुएंस रहते हैं और उसके हिसाब से ही सोचते हैं। तो हमारा इसमें मकसद ये रहता है कि टीवी या बॉलीवुड से ना समझकर ये असली ज़िंदगी को समझें और असली हीरोज़ को देखें। तो इस उद्देश्य से लेके हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के आयोजन करते हैं।
इसमें हमारे जो मेन लिटरेचर है उसमें चार चीज़ें डिस्कस होती हैं, एक तो अंग्रेज़ी साहित्य, हिंदी साहित्य और मिलिट्री इश्यूज़। तो आप एक से एक बड़े जनरल से, एयर मार्शल से, इन सब से आप रूबरू हो सकते हैं, इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं क्या हो रहा है। और इसमें चौथा जो एक वर्टिकल है वो है आरएसटी फोरम, जिसमें हम पहाड़ की समस्याओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि इस बार जो हमारा थीम है 20 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के 20 वर्ष और इसके आगे उत्तराखंड का क्या होगा, ये डिस्कशन चल रहा है। ये लिटरेचर साहित्य के अलावा हमारे बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इसके द्वारा बच्चों को ये समझ में आया कि राग क्या है और कैसे गानों को बनाया जाता है। और एक इतना खूबसूरत उन्होंने प्ले करा, दिल्ली से आए थे ऑल इंडिया रेडियो से, और इतना खूबसूरती से उनने बजाया कि सब लोग खींचे चले आए और उन बच्चों ने बहुत इन्जॉय करा, जो कि हमारा मकसद है कि बच्चे रियल लाइफ देखना शुरू करें। समारोह में विभिन्न श्रेणियों जिनमें अंग्रेजी फिक्शन, अंग्रेजी नॉन फिक्शन, हिंदी कल्पित कथा, गैर कल्पित कथा, बच्चों के लेखन पर प्रकाशित पुस्तकों पर भी अवार्ड प्रदान किए गए। मैंने ये किताब लिखा है फुटप्रिंट्स ऑफ बंगाल ऑन द हिमालयस, और ये बंगाल के जो सब वरिष्ठ लोग आए इधर और इधर अपना अवदान किया, अपना कंट्रीब्यूशन किया, और कोई लोग सेटल्ड भी हो गए लाइक द बहुगुनाज ऑफ बंगाल, वो सेटल्ड हो गए एंड दे बिकेम एंड गॉट मर्ज्ड विद द पॉपुलेशन, और ऐसे करके बहुत लोग आए। तो उन वो उनके बाद वो भी थे, फिर विवेकानंद आए इधर, बहुत बड़ा वो किया, रामकृष्ण मिशन का सेंटर किया अल्मोड़ा में, मायावती बनाया, और माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म का यूनिटी उपलब्ध किया विवेकानंद, और ये सारा दुनिया में उन्होंने समझाया कि हाउ मैक्रोकॉज्म एग्जिस्ट इन माइक्रोकॉज्म। ये बहुत बड़ी थियोरी थी हिंदुइज्म का जो उन्होंने किया। फिर उदय शंकर अपना डांस, क्रिएटिव डांस सेंटर बनाया इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में ये जो मॉडर्न डांस है अलॉन्ग विथ फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, उसका जो कॉम्बिनेशन है, ही वॉज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू क्रिएट दिस मॉडर्न डांस सेंटर इन अल्मोड़ा, और वो सारा पृथ्वी में फैल गया और बहुत पॉपुलर हो गया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर अपना गीतांजलि के बहुत सारे पोएम्स रामगढ़ नैनीताल के पास उधर बैठकर लिखा। यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स जो साहित्यिक आयोजन किया गया है तो उसमें आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ा ही दिलचस्प वातावरण है, और खुशी इस बात की है कि मेरी कविताओं का जो दूसरा संकलन है वो आज यहाँ पे उसका विमोचन किया जा रहा है। तो कविता संग्रह का नाम है जादूगर का खरगोश, और इनमें मेरी वो कविताएं शामिल की गई है जिसमें हम, जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो हम अपने चारों ओर भी एक मिथ्या रियलिटी जो है उसको हम बुन लेते हैं। तो इन कविताओं में यही दर्शाया गया है कि चाहे वो आपसी रिश्ते हो, प्रेम हो, या जनसाधारण से हमारा जो भी रिश्ता बनता है, तो इन सब में कहीं ना कहीं एक मरीचिका है, एक मृग तृष्णा है, और हम वही उन पर आरोपित कर देते हैं। तो इसी मृग तृष्णा को इन कविताओं में दर्शाया गया है।